अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहीन है और मैं एज अ जनरल सर्जन पीएचक्यू गिलगित में काम कर रही हूँ। ये फ्री मेडिकल कैंप पे हम आए हुए हैं पासू में और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पेशेंट का फ्लो इतना नहीं था लेकिन जितने भी आए थे एज अ स्क्रीनिंग हमने उनको काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी उन्होंने भी स्पेशली फीमेल्स ने खुल के अपनी चीज़ें डिस्कस की थी, जो कि था कि उनको एज अ स्क्रीनिंग बाकी सबको मैसेज देने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हम इस तरह से उनके डोर स्टेप पर उनको अप्रोच करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला बेग है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ एट डी एच यू हॉस्पिटल अलियाबाद हुआ। आज हम यहाँ फंसे आए हुए हैं यहाँ पे क्योंकि मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो फिर उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पे हमने पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखे, उनको स्क्रीन किया, उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया और उनको आगे भी अगर फॉलोअप की ज़रूरत है तो फिर उसके लिए भी हमने उनको गाइड कर दिया, तो फिर इस तरह ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अहमद है और मैं सिटी हॉस्पिटल गिलगित में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम परसों आए हैं फ्री मेडिकल कैंप के लिए और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, और न सिर्फ यहाँ पे हमने फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की पेशेंट्स को, बल्कि पी एच बी वन सी जो शुगर का महीने का टेस्ट होता है वो हम करते हैं पेशेंट्स को, उसके अलावा आर बी एस और डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमने पिक किए जो इससे पहले अनडाइग्नोज थे, तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। और काफ़ी पेशेंट्स को हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉलोअप के लिए देखे भी बुलाया, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंप होते रहने चाहिए ताकि यहाँ की आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और 30-bedded हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद में मेरी ड्यूटी हो रही है। आज हम मेडिकल कैंप के लिए पासु विलेज आए हुए थे, हमारे साथ और भी कंसल्टेंट्स थे जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन थे। फ्री मेडिसिन हमने प्रोवाइड किए हैं पेशेंट्स को। मेरी अपनी स्पेशलिटी के हवाले से काफ़ी पेशेंट्स थे और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा, अराउंड 150 टू 170 हमने पेशेंट्स देखे हैं, उसमें हमने स्क्रीनिंग भी की है शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं ऑलरेडी जो मेडिसिन देते हैं, जो न्यूली डायग्नोज उनको हमने कुछ मशवरे भी दिए हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और खुराक और उसमें क्या परहेज़ करना है और किस तरह की उन्हें दवाई खानी है वो हमने उनको रिकमेंड किया है और साथ कुछ प्रोवाइड भी किया है फ्री मेडिसिन और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उनको पेशेंट्स को रेफर भी किया गुंजा और गिलगित। अगेन अच्छा एक्सपीरियंस था और लोगों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी थी, ऑलमोस्ट सारे स्पेशलिटीज हमारे कवर हो रहे थे और अच्छा तजर्बा था। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर है और मैं एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट पीएचक्यू हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हम पासु आए हुए थे एक मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से, तो हमारे साथ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट भी थे इस कैंप में और कैंप बहुत ही अच्छा रहा। सो तकरीबन जो फ्लो था पेशेंट्स का अराउंड 160-170 पेशेंट्स हमने देखे आज, और जो कैंप का मकसद था ये तो स्क्रीनिंग एक मकसद थी कि हम पेशेंट्स को मुख्तलिफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए स्क्रीन करें और कुछ जो ऐसी बीमारियां हैं जिनकी तशखीस यहाँ पर हो सकती थी उसके हवाले से हम पेशेंट्स को देखें और मुफ्त दवाइयाँ जितनी हमसे हो सकती थी वो हमने कुछ मरीज़ों को फराहम की, और उसके साथ साथ जिन मरीज़ों को रेफरल की ज़रूरत थी या टर्शरी केयर की ज़रूरत थी उनको हमने गिलगित की तरफ रेफर कर दिया। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा ख्याल है कि इस तरह के कैंप्स होने चाहिए और इससे वो लोग जो घर से बाहर नहीं जा सकते किसी भी मजबूरी की सूरत में, मौसम बहुत ही ख़राब है, रास्ते का मसला हो चुका है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होती हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये इस तरह के कैंप्स होने चाहिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।